दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों हम बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए 4 जुलाई शनिवार का दिन कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ और आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान बरती जाने वाले महत्वपूर्ण सावधानियों के साथ साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताएंगे। कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान या स्कृति में बढ़ोतरी हो सकेंगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और किस प्रकार से आपने जो कर्ज ले रखा है, जो अपने पैसे उधार ले रखे हैं, उनसे किस प्रकार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उनसे किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है, किस प्रकार के कार्यों को करना आपके लिए शुभ साबित होगा आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आर्थिक तंगियों से छुटकारा पाया जा सकता है, आपके मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो सकती है आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके माता रानी के भक्तों से हमारी छोटी सी विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेंगी। निश्चित तौर पर आज के दिन आपको 4 संकेत प्राप्त होने वाले हैं और इन संकेतों के जरिए मित्रों मीन राशि वाले जातकों के जीवन और जिंदगी की रूपरेखा में काफ़ी बड़ा परिवर्तन होगा, काफ़ी बड़े बदलाव होंगे जिनके कारण आपके सारे दुख तकलीफ दूर होंगे और आपको खुशियां भी प्राप्त होंगी। तो मित्रों ऐसे में वीडियो को पूरा अवश्य देखें। यह वीडियो मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट, बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप लोगों से हमारी विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको सारी जानकारियां पता हो सके और आप आने वाले दिनों को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें, और भी ज़्यादा अच्छा बना सकें। तो मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि यह समय आपके इच्छाओं को पूरी कर सकता है, आपके धन दौलत में इजाफा करवाएगा, आपके ऐश्वर्य में बढ़ोतरी करवाएगा तथा आप जिस मौके की काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप व्यावसायिक रूप से काफ़ी अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे वो आपको प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन में खुशियां भी बरकरार रहेंगी तथा आपको अपने सामाजिक स्थितियों को बढ़ाने के बेहतरीन मौके भी प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपके बहुत सारे कार्य संपन्न होंगे, आपके क्रियाकलाप भी पूरे होंगे, आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे तथा चल रहे कामों में आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयां तो सामना करना पड़ सकता है, परंतु इसके बावजूद आपको सभी कार्यों में इच्छा के अनुरूप सफलता हासिल होंगी। आपको अति सुपरिणामदायक यह दिन प्राप्त होंगे। आप लंबित असाइनमेंट को जो कि लंबे पड़े थे उनको पूरा करने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। सामाजिक कार्य या राजनीतिक से जुड़े लोगों के लिए मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने लंबित पसे असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। सामाजिक कार्य या राजनीतिक से जुड़े लोगों को विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। उद्यमियों के लिए नए उद्योग शुरू हो सकते हैं, नए संघों का गठन भी किया जा सकता है। आपके कामकाजों की तारीफें होंगी, लोग आपके बहुत तारीफ कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही अच्छी तरह से सोचा गया निर्णय आपको लाभ दे सकता है, आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी उम्मीदें प्राप्त करवा सकता है। पारिवारिक संबंध भी और बातचीत काफ़ी अच्छी रहेंगे तथा आपके घर में शादी या जन्मोत्सव हो सकता है, शादी या जन्मोत्सव मनाया जा सकता है। अचानक से आपको यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है, यात्राएं करना आपके लिए शुभ साबित होगा। यात्राओं पर जाना, यात्राओं में अपनी योजनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करना यह आपके लिए शुभ साबित होगा। इसके साथ ही मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि कार्यस्थल पर अचानक से आपका बदलाव या विकास हो सकता है तथा यह बदलाव आपके पक्ष में होंगे, यह बदलाव आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आपका संचार कौशल मजबूत होंगे, आप आसानी से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं तथा आप अपने कामकाज में काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं। गतिशील परियोजनाओं को पूरा करके आप अथक प्रयासों से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यदि किसी परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अपने प्रयासों को जारी रखने की विशेष ज़रूरत रहेंगे। आपको सफलता भी प्राप्त होंगे, आर्थिक रूप से आप काफ़ी मजबूत रहेंगे, काफ़ी सुरक्षित रहेंगे और पुराना ऋण भी आप आसानी से चुका सकते हैं। आप अपने धन दौलत में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि समाज में आपका यश और इज्जत में बढ़ोतरी होंगे। दफ्तर में भी आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकते हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, आप अपने प्रेम का आनंद ले सकते हैं। कुंवारे लोगों की ज़िंदगी में भी कोई विशेष व्यक्ति दस्तक दे सकता है, जिनकी वजह से आपके खुशियों में इजाफे होंगे तथा कामकाज में भी आपको इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपके घर में परिवार में खुशियाँ और सहयोग बने रहेंगे। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले या अपने जीवन में बड़ी खुशखबरियों को प्राप्त करने से पहले आपको निर्णय लेने की विशेष ज़रूरत रहेंगे। आप अपने क्रियाकलाप अपने अनुसार पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके क्रियाकलाप अवश्य पूरे होंगे। मीन राशि वाले जातकों को नई जिम्मेदारियां भी प्राप्त हो सकती हैं और आपको शुभ कार्यों में आपको अपने अनुरूप अपने सभी कार्यों में सफलता हासिल होंगी। आपके समाज में आपका यश बढ़ सकता है, कीर्ति बढ़ सकती हैं। समाज वाले, घर वाले, परिवार वाले आपकी इज्जत कर सकते हैं। आपके मान मर्यादा इज्जत पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होंगे और आपको अच्छे कार्यों को करने के बेहतरीन मौके भी प्राप्त होंगे। इस समय आप किसी अच्छे कार्यों को करने का प्रयास कर सकते हैं। सारे आपके सफल बने रहेंगे और आप समाज में अपनी एक अलग छवि, अलग पहचान बना सकते हैं तथा जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, भागीदारी में, साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को अहंकार और अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की जरूरत रहेंगे। अन्यथा अहंकार या क्रोध के कारण आपके रिश्ते तनावपूर्ण रह सकते हैं, जिनकी वजह से आपको थोड़ी सी अपने रिश्तों को ऐसे करसे करना पड़ सकता है। आपको काम और परिवार के बीच ऐसा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता रहेंगे। इस समय आपके सोचने समझने की शक्ति भी मजबूत रहेंगे। यात्राएं आनंददायक रहेंगी, सुखद परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में आपके सुख समृद्धियां में वृद्धि होंगे, इनमें से आपको धन खर्च भी करने पड़ सकते हैं। व्यापार में निवेश के लिए आपको या नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए यह समय बहुत शुभ रहेगा। आर्थिक सफलता के बेहतर योग बने हुए रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिए यह समय प्रतिकूलताओं को लिए हुए हैं। धर्म के प्रति आपकी अरुचि उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। भगवान की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपको अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने में भगवान आपके सहायता अवश्य करेंगे और मानसिक रूप से आपको काफ़ी सुकून भी प्राप्त होंगे। आपका धन खर्च अधिक हो सकता है परंतु आमदनी सीमित रहेंगे। मानसिक तनावों को अपने ऊपर हावी न होने दें। विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष करने में आपको अपनी अद्भुत क्षमताओं का प्रयोग करने की जरूरत रहेंगी। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई भी काम न करें तथा अपने कामकाज को पूरा करने के लिए अथक प्रयास भी करने की जरूरत रहेंगी। कहीं से भी अप्रत्याशित बुलावा आए तो वहां पर सोच समझ कर जाने का प्रयास करें। वहां हो सकता है आपको हानि पहुंचाने की कोशिष कर सकता है या आपको किसी षड्यंत्र या किसी बेफजूल के कार्यों में फंसाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा धैर्य रखने होंगे। किसी भी नए जगह जाने से पहले, नए क्रियाकलापों में जुड़ने से पहले अपने परिवार वालों की जिम्मेदारियों को समझ लेना आपके लिए शुभ साबित होंगे। मित्रों, यही समय है जब आप अपने व्यापार में, व्यवसाय में, करियर में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं और सब जगह अपने एक अलग छवि, अलग पहचान बना सकते हैं। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को नई उपलब्धियां हासिल होंगी, नए शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे कार्य को करने के विशेष मदद भी प्राप्त हो सकता है। आपको क्रियाकलापों के अनुरूप सफलता भी हासिल होंगी तथा आप अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में काफ़ी सक्षम बने रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों को नए मोबाइल खरीदने के मौके भी प्राप्त होंगे, नई चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं तथा आपको आपके जीवन में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करने के लिए अथक प्रयास करने की विशेष जरूरत रहेंगी। आपको समाज में अपने एक अलग छवि, अलग पहचान बनाने में काफ़ी सफलता हासिल होंगी। समाज वाले, घर वाले, परिवार वाले आपकी इज्जत कर सकते हैं। आपके ऐश्वर्य में, आपके मान सम्मान ऐश्वर्य में बढ़ोतरी करवाने में आपकी सहायता कर सकते हैं तथा आपके कामकाज आपके क्रियाकलाप के अनुरूप होंगे। आपको निश्चित तौर पर सफलता हासिल होंगी तथा आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, जिनके कारण आपको आपके समाज में अपनी एक अलग छवि, अलग पहचान मिल सकते हैं। समाज वाले, घर वाले, परिवार वाले आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी सहायता भी अवश्य कर सकते हैं। यह समय आपके लिए शानदार रहेगा। आपकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने में
आपकी सहायता कर सकता है और जरूरत के हिसाब से आप अपने कार्य को अपने अनुरूप करने का प्रयास कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा धैर्य रखने होंगे। वांछित परिणाम न मिलने के कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति होंगे और आपको सुबह सुबह कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिनका आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके खुशखबरी भी आपके लिए काफ़ी सर्वाधिक उत्तम रहेंगे। आपको आपके क्रियाकलापों को पूरा करने के प्रयास भी अवश्य करने होंगे ताकि आपके जीवन में आपको बड़ी खुशखबरियाँ प्राप्त हो सकें। आपके इच्छा के अनुसार आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हुए अपनी अलग छवि अलग पहचान बना सकें। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होंगी। रोजगार के क्षेत्र में आ रही रुकावटें आ रही अड़चने निश्चित तौर पर दूर होंगी। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ बिंदुवासिनी।